प्रोग्राम जो है वो फंड के बाद की कोशिश से बराबर नहीं होते, इसके अंदर हमारी फैकल्टी के हेड्स डॉक्टर अफाज साहब, डॉक्टर जिया साहब, हमारे डॉक्टर राहिया साहब, कुरेशी साहिबा, इनका पूरा काम और फैकल्टी के तमाम जूनियर यानी एसोसिएट लेक्चरर से लेकर स्टूडेंट्स से लेकर हमारे तमाम टीचर्स ने इस कॉन्फ्रेंस की कामयाब को यकीनी बनाया। मैं इन तमाम लोगों का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी ने किया इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरे काम में जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उन्होंने कहा कि आपने कॉन्फ्रेंस का टॉपिक जो रखा है वो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक आपकी टीम के अंदर अमलन नजर आया है। और ये जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं इनकी तरफ से आपके समारोह की नजर करता हूँ, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से दूर जरूर निकलेगा। गुजरात ग्रामीण यूनिवर्सिटी के जितने इदारे हैं उनका भी इस सिलसिले में पूरा तारुण है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पीआर ऑफिस था, हमारे गेस्ट हाउस के लोग थे, रजिस्ट्रार ऑफिस, ट्रेजर ऑफिस, वाइस चांसलर ऑफिस, ये तमाम लोगों की सपोर्ट कदम ब कदम मुकम्मल हमें हासिल रही। इस पर भी मैं अपने तमाम ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से इन तमाम इदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इख्तिताम मजलिस के अंदर सिफारिशात को पेश किया गया है, हमारी सिफारिशात मुरतब करने वाली जो कमेटी थी उन्होंने सिफारिशात मुरतब की और वो 25 निकात पर मुश्तमिल मेरे सामने मौजूद है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि ये हाउस इन तमाम तजावीज को मंजूर करेगा और इसकी मंजूरी की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह जो तजावीज दी गई हैं इन तजावीज के नतीजे में और जो उस्ताद मोहतरम ने यहाँ मजीद तजवीज दी, इस तजवीज को भी सामने रखकर इंशाल्लाह सीनियर हमारे फैकल्टी के तमाम इस्तादा इंशाल्लाह मिलजुल कर इस पैगाम को आगे बढ़ाएंगे और इस पैगाम को आगे बढ़ाने के नतीजे में पैगाम को तो तकलीफ जो मिलेगी सो मिलेगी, हम सबको इंशाल्लाह इससे जरूर नूर मिलेगा। अल्लाह हम सब लोगों को इस तरह के अच्छे और नेक कामों में भरपूर हिस्सा डालने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत से दोस्तों ने इखलास के हवाले से दुआ की तो बुनियादी चीज इखलास ही है, अल्लाह ताला हमें काम के अंदर इखलास नसीब फरमाए और हमारे पूरी पूरी कोशिश को अपनी बार बार कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा हमारी आज की मजलिस के सदस्य।